तो दोस्तों फाइनली मोटरोला एक और ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है इंडिया मार्केट में, मोटरोला एज 40 न्यू के नाम से। और ये स्मार्टफोन भी काफी कमाल का रहने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि आजकल मोटरोला जो वो काफी ट्रेंड कर रहा है इंडिया मार्केट में, क्योंकि काफी कम प्राइस पे काफी तगड़ी स्पेक्स ऑफर कर रहा है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये स्मार्टफोन भी काफी कम प्राइस पे आएगा और यहाँ पर भी आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाला कवर्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो काफी कमाल का स्मार्टफोन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी एंड किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मैंने देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना जो है देखने को मिलती रहती है। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक की, तो स्मार्टफोन लुक आपको ऑलमोस्ट जो सिमिलर देखने को मिलेगा मोटरोला एज 40 जैसा ही। यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन में ऑलमोस्ट 90% आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, बट प्रोसेसर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस जो वो देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें बिल्ड एंड डिजाइन की, तो देखिए स्मार्टफोन के अंदर में आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। एंड इसी के साथ में पीछे की तरफ आपको लेदर बैक डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडियन मार्केट में। वीगन लेदर जिसको कहते हैं, वो डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। पीछे की तरफ इसी के साथ में आपको मोटरोला की ब्रांडिंग डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा दोस्तों यूज किया गया वो 15 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि OIS के साथ में आएगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। आप लो बजट का तो नहीं कहेंगे, काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। कमाल की बात यह कि कर्व्ड डिस्प्ले होने वाला है, तो काफी कमाल का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम प्रीमियम डिजाइन स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में स्मार्टफोन आता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले का लुक काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। कलर वगैरह काफी पंची यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोटोरोला अपने ज्यादातर स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले यूज करता है, जो कि 10-bit कलर डिस्प्ले होता है, तो वहां पर कलर और भी ज्यादा इनहेंस्ड आपको देखने को मिलते हैं। एमुलेट से भी बेटर कलर प्रोवाइड करा देता है आपको OLED डिस्प्ले। इसी के साथ में दोस्तों आपको ये डिस्प्ले सेंटर पंच होल के साथ में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखें डिस्प्ले एंड कैमरा यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें, तो परफॉर्मेंस में भी ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 1730 प्रोसेसर, जो कि एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर है। और मोटरोला जो कुछ प्रोसेसर अपने लिए अलग से कस्टमाइज करा रहा है MediaTek की तरफ से, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 4 नैनोमीटर वाला ये प्रोसेसर होने वाला है। एंटीटू स्कोर की बात करें तो अराउंड 5.5 लाख का इसका एंटीटू स्कोर निकल करके आ जाता है, तो गेमिंग भी यहाँ पर आप काफी अच्छी कर पाएंगे। 60 FPS पे आप इजीली गेमिंग स्मार्टफोन में कर पाएंगे। एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिसकी वजह से आपको काफी स्मूथ गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर में मिलने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि इसका सिर्फ आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि 12 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो उसके बारे में जानने के बाद आपको और भी ज्यादा शौक लगने वाला है, क्योंकि इसकी जो लीक प्राइस है बताया जा रहा है कि 24,000 रुपए से 28,000 रुपए के बीच में होने वाली है। तो मेरे हिसाब से 25,000 या 26,000 रुपए में स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया मार्केट में, 12 GB रैम के साथ में। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ी है मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या रहेगी प्राइस को लेकर के, आपके हिसाब से एक्चुअल स्मार्टफोन किस प्राइस पर लॉन्च होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी बात करें स्मार्टफोन की बैटरी वगैरह की, तो स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB टाइप सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको 68W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें अदर फीचर की, तो कमाल की चीज जो मुझे स्मार्टफोन के अंदर लगी है वो इसकी IP रेटिंग। इसके अंदर में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप 1.5 मीटर तक आधा घंटा फोन को पानी के अंदर रख सकते हैं, पानी के अंदर में आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इससे पहले जो सबसे सस्ता IP रेटिंग वाला स्मार्टफोन था, वो भी मोटरोला की तरफ से आता है, मोटरोला एज 40, जो कि 30,000 रुपए की प्राइस में आता है। एंड ये उससे भी कम प्राइस में आने वाला है, तो काफी डेफिनेटली काफी तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। आपकी क्या राय रहेगी इसके बारे में, क्या आप स्मार्टफोन को बाय करना पसंद करेंगे, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे तरफ आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना देखने को मिलती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।